सारे भाई है ना भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज फिर भाई मैं विषय जगरूप फौजी का लेकर आया हूँ। कल मैं जगरूप फौजी की जो जिससे जगरूप फौजी मिलन गया था सोनिया, उसकी एक छोटी बहन है जिसने बहुत जल्द जमानत मिल गई थी उस मुद्दे पर, मोनी उर्फ मोनी का, मैं उससे मिल के आया था भाई कल। और मैंने मोनिका से ज़्यादा लंबी सी बात नहीं करी, इन शॉर्ट मैंने उससे बात करी मेन सी। और मैं छोटी सी ही वीडियो यह बनाऊँ भाई, कोई लंबी खींच के नहीं बनाऊँगा, कोई बाल की खाल नहीं दे दूँगा इन शॉर्ट में, क्योंकि 90% बातें मैं कर चुका हूँ। अब जो 10% बची है उनको मैं इन शॉर्ट में ख़त्म करूँगा। मैंने उसकी बहन से एक बात पूछी कि मैं बोला सच बता कि जगरूप फौजी किस टाइम उस रात ने घर पर आया था, कितनी देर रहा, उसके बाद क्यों हुआ। यूं बोली कि हम तीनों थे और उसका फ़ोन आया कि भाई मैं आऊँ हूँ। फिर मैंने उससे एक बात पूछी, अक्सर यह जो बात चला है इनकी यह बात जरूर आवे कि सोनिया ने जगरूप फौजी का नंबर ब्लैकलिस्ट में डाल रखा था। फिर तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि भाई जब उसने ब्लैकलिस्ट में आपका नंबर डाल रखा था तो फ़ोन कैसे आया। उसने बताया कि भाई अननोन नंबर से हमेशा कॉल करा करता हूँ। तो मैं बताऊंगा कि ब्लैकलिस्ट में क्यों डाल रखा था, क्या बात थी, वो लंबी बात हो जाओगी। इस बात को मैं इन शॉर्ट में थोड़ा सा बता दूं मैं आपको। कहीं ना कहीं जगरूप फौजी, उसकी बहन के हिसाब से जो उसकी बहन ने बताया, कहीं ना कहीं जगरूप फौजी उनको ब्लैकमेल किया करता है कि मेरे पास फ़ोटो है और मैं वह फ़ोटो तेरे भाई से दिखा दूँगा, मतलब सोनिया के भाई से राजेश से, और फिर क्या करेगी तू। तो उस टाइम पर सोनिया और उसकी बहन, उनका टेंशन यूँ आ करती कि भाई वो तो हमारे परिवार में लम कुछ है नहीं, अब मेरा एक भाई बच रहा है, मेरे भाई से अगर वो फ़ोटो दिखा देगा तो मेरा भाई टेंशन में सुसाइड ना कर ले, मर ना जावे, टेंशन थी। वह हाथ पाँच उड़ा करती, ना भाई तू ऐसा ना जगरूप तू ऐसा काम ना करियो। वो इरीटेट बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। तो उसने फिर जगरूप फौजी के भाई से बात करी, उसकी माँ से भी बात करी, तो उसके भाई संदीप ने, उसकी माँ ने, जगरूप फौजी की माँ ने तो सोनिया को ये कहा कि भाई तू इतनी परेशान क्यों, तू उसने ब्लैक लिस्ट में डाल दे। तो उसने ब्लैक लिस्ट में उसको डाल दिया था, या बात थी। एक बात उन्होंने ये भी बताई कि जगरूप फौजी की माँ ने सोनिया के पास कॉल करी कि जगरूप फौजी ने जहर स्प्रे पी लिया या जहर खा लिया, इब देखूंगी थमले में। यह बात भी सोनिया की बहन ने बताई जब हम मिले। तो काफ़ी लंबे टाइम से वो ब्लैक लिस्ट में था, तो किसी और नंबर से वो कॉल करा करता। अब जब वो किसी और नंबर से कॉल करा करता तो उस रात भी अक्सर ऐसा ही हुआ, रात ने 8 बजे से उसके पास कॉल करी, और रात ने 8 बजे जगरूप फौजी उसके घर गया। और उसके घर गया तो जैसा कि उस मोनिका ने बताया कि सर वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक रखी थी, एक्सेस ड्रिंक रखी थी। वो आया और 8 बजे से 11 बजे तक हमारे घर पर रहा, जहाँ पर वो रमे थी। मैंने पूछा कि वो ड्रिंक तो करे रहा था जैसे था, हम बताओ क्या वो और भी दारू की बोतल ले आया था। ये प्रश्न इसलिए पूछा क्योंकि उस कुछ वीडियो ऐसी भी वायरल हो रही हैं शायद कि वो लड़कियां भी ड्रिंक करती थी। तो जगरूप फौजी ड्रिंक दारू की बोतल और भी लाया था साथ में, थम्सअप ने बैठ के पियो। तो उसने ये कहा मोनिका ने कि सर हम दोनों ने तो बिल्कुल नहीं पी। सोनिया थी, 2 कैन लेके आया था बियर की, 2 कैन, और उसमें से धक्का करा उसने सोनिया को पिलाने के लिए। सोनिया ने सिर्फ उसको थोड़ी सी संतुष्टि देने के लिए 2-1 घूंट पी थी। मैंने पूछा पूरी बियर पी ली होगी, यूँ बोली ना सर उन्हें 2 घूंट पी है, इससे ज़्यादा नहीं पी। बेशक से हमारा टेस्ट करा लो, मेरी बहन का करा लो, जिसका भी आपने लगा, अगर आपने उन्होंने लगा ना हमारे अंदर एल्कोहल है, हम जुम्मेवार हैं। ये बात उसकी बहन ने हमारे से बताई। फिर मैंने कहा कि भाई उसकी जेब में 95,000 रुपये थे, जब उसकी बॉडी ने लेने उसके पेरेंट्स आए तो उसके जेब में 1,500-2,000 रुपये पाए, बाकी कहाँ गए। यूँ बोली सर हमको नहीं पता, हमारी कहीं जांच करवा लो, कुछ भी करवा लो, हमने नहीं पता कि वे बाकी के पीछे कित हैं कित नहीं, कित के गए, हमने नहीं पता। मैं बोला थारे अकाउंट में डलवाए होंगे, थारे कैश नहीं दिए तो। यूँ बोली सर हमारे अकाउंट चेक करवा लो, 1,000-2,000 रुपये हमारे अकाउंट में पाऊंगे, इस तरह फालतू नहीं पाऊँ। अरे पाऊंगे तो कहाँ से आए हैं, कहाँ गए हैं, ये
जांच का विषय, जांच करवा लो, हमने कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक बात पूछी कि वो जो चौथा लड़का जो वो भी आपके साथ जेल में रहा है उसका क्या रोल है? यूँ बोली सर उसने मेरी बहन और वह दूसरी लड़की बुलान गए थे सुबह सुबह, बुला के लाए हैं और वो खुद एक टांग उसके नकली की है उस बाइक है, उसका कोई दोष नहीं है, बिल्कुल निर्दोष है, वो तो आया स्पोर्ट करने खातर, उसने हल्का सा हाथ लगाया लेकिन उससे उठा नहीं था, फिर हमने मिलकर उठाया, गाड़ी में लेके गए, फिर गाड़ी में लाए। 8 बजे से 11 बजे तक जगरूप फौजी उस घर पर रहा है उस मोनिका के अकॉर्डिंग, 8 बजे से 11 बजे तक। मेरे को पर्सनल जो डाउट है, मेरे को पर्सनल डाउट ये है कि मेरी जब संदीप से बात हुई थी उसने ये बताया था कि जी 8:45 बजे से एक हमारे से बात हुई है जगरूप फौजी की, लाइव भी हुई थी 10-20 सेकंड और वैसे भी हुई थी 10-20 सेकंड, लेकिन 9:01 बजे से उसने 1.25 घंटे खातर मेरे किसके पास फ़ोन कराया, उस दौरान मेरे मम्मा मम्मी से भी उसने बात करी 10-20 मिनट, कितनी देर बात करी, तो जब उससे बात करी तो वो कहीं ऑन रोड था, ये संदीप ने कहा है। और 8 से 11 की टाइमिंग मोनिका ने कही है कि वो हमारे साथ था। भाई मैं दोनों एक रूम में थे, जगरूप फौजी और सोनिया, और वे दोनों लड़कियां खाना खुना बनाने लग रही थी, अपनी तैयारी करने लग रही थी, तो वे 3 घंटे में रूम में रहे हैं। उसके बाद फिर वे तीनों लड़कियां अपना अलग से एक रूम में सो गए। 11 बजे वो वहां से चला गया और वो ये कह के गया है कि भाई मेरी माँ ने बुलाया हूँ और मेरी माँ दूर जाना है। इसमें डाउटफुल मैंने दोनों ही पार्टी लगे हैं भाई। उधर से संदीप भी 100% ये कहा जी मेरे से बात हुई, ऑन रोड बात हुई, ऑन रोड का सीन था, व्हीकल चले थे, सारी बात हुई, मेरे मामी से मामा से भी उन्होंने बात करी, ठीक था, वो नशे में नहीं था, किसी और दोस्त से भी उसने 8.25 घंटा बात करी, उस टाइम भी उसने कोई नशे में नहीं लगा, इतने नशे में नहीं कि कुछ भी तो। और उधर से मोनिका ने जो बताया कि सर वो 8 से 11 बजे तक हमारे साथ था, थोड़ी बहुत देर के लिए वो दाएं बाएं गया था, थोड़ी बहुत देर का मतलब 1-2 मिनट के लिए गया होगा बस। अब अंदर की बात है मैं वो जिक्र नहीं करूँगा कि कुछ होया नहीं, वो मैं थोड़ा सा आत्मा नहीं मानती, वो बात मैं जिक्र नहीं करूँगा, लेकिन 11 बजे वो चला गया वहाँ से। उसके बाद में 11:30-12 बजे से को लड़कियाँ सोगी। मोनिका ने बताया कि वो उसकी बहन पानी पीने के लिए उठी, क्योंकि खिलाड़ी हैं वो, पानी ज़्यादा पीते हैं। इसमें हल्का सा मेरे को डाउट क्या लगा, जो अक्सर खिलाड़ी चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, अक्सर रूटीन में अगर वो डेली पानी के लिए उठता है तो अपने द्वारा पानी धर के जरूर सोया करा, वो बार बार डिस्टर्ब नहीं होगा मैं उठ कर पानी पीने जाऊँ कहीं ना, वो अपने सिराने पानी धर के ही पीवे है। चलो मान लिया भी वो पानी पीने खातर उठी, उठी तो फिर उसने वो देखा सीन के वो फांसी हैंग था उसका और सारे सीन उसने देखे हैं, उसने फिर वो भी उठाई हैं, उसने अपने भाई के पास भी फ़ोन कराया है, वो दोनों लड़कियां खुद चौकी थाने में गई हैं किसी के आने से पहले, फिर उसका भाई आया, फिर उसके भाई के साथ फिर वो थाने में गई हैं। उन लड़कियों ने बहुत, अब बहुत सारे लड़के उनको कहेंगे तू बिक गया जगदीप, तू लड़कियां के फेवर में बोला, भाई मैं लड़कियां के ना लड़कियों किसी के फेवर में नहीं बोलता, लेकिन जहां तक इतनी सारी बातें आ रही है। फिर मैंने उससे पूछा भाई वो आया किस टाइम रात को, मोनिका ने बताया कि सर मन ने नहीं पता वो किस टाइम आया, मन ने का मतलब हम तीनों ने नहीं पता वो किस टाइम आया। बाहर जो मेन गेट था उसमें इतना स्पेस पहले से ही छोड़ रखा है, आज से नहीं पहले से ही वो छोड़ रखा है, हाथ देकर उसमें कुंडी खुल सका है, और वो किस टाइम आया किस टाइम नहीं ये एक जांच का विषय है। अगर पुलिस वहाँ की वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा दे, वहाँ पर कैमरे शायद लगे हुए हैं, रिकॉर्डिंग दिखा दे तो वहाँ से तफ्तीश तस्दीक दोनों ही बात हो सके, सारी जांच क्लेरिफाई हो सका है, ये विषय इतना लंबा चल रहा है पता नहीं क्यों चल रहा है। फिर मैंने कहा कि भाई जब तुमने उसको देखा तो क्यों, जब सुबह तुमने जगरूप फौजी की बॉडी को देखा तो क्या स्मेल थी वहाँ पर? फिर उसने कहा जी स्मेल उठ रही थी, उसमें से अल्कोहल की थी स्मेल, ऐसा शायद उसका कहना था, और बहुत सारी बातें इस तरीके से निकल के आई। डाउट मेरे को ये लग रहा है कि भाई वो लड़की 8 से 11 का फिक्स टाइम कह रही है उसके पास ही था, संदीप ये कह रहा है कि भाई वो बात करने के लिए निकला है, मैं खुद कंफ्यूज हूँ, अब मैं क्या कहूँ? सिर्फ विसरा रिपोर्ट के ऊपर आधारित है, अब फाइनल क्या होगा? मोनिका ने यह भी बताया
के जी जब वो पोस्टमार्टम के डॉक्टर डॉक्टरनी महिला डॉक्टर जब आए वहाँ पे चेकिंग के लिए, उन्होंने जो फर्स्ट चेकिंग करी है उस चेकिंग में उस महिला डॉक्टर ने यही कहा है कि बेटी तुम घबराओ ना, या इसने खुद ने फांसी खा रखी, तुम टेंशन ना लो, तुम बालक हो, कोई बात नहीं, इस टाइप से उनकी कोई बात हुई है। सबके अपने अपने इशू हैं, सबकी अपनी अपनी सोच है। मैं मेरा पर्सनली अगर मैं बताऊं के मन्ने के लगा है, फिर वो बात गलत हो जावे है। बहुत सारी बातें निकल के आऊँ थी जो मैं बता नहीं सकता, अच्छा नहीं लगता। 1% में अगर बात करूं तो 99% जो लोग कह रहे हैं कि उसको मारा गया है, मैं इकलौता 1% ऐसा हूं कि मन्ने ऐसा लगा है कि शायद जगरूप ने खुद फांसी खाई हो, शायद मने ऐसा लगे है। बाकी विसरा रिपोर्ट की वेट करांगे, विसरा रिपोर्ट के कवा है, क्या उसमें फाइनल जजमेंट है, क्या कुछ नहीं। मैं तो कोई भगवानी जो अपने अंतर शक्ति से उसने देख लूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं, मैं कोई वकील नहीं, मैं कोई जज नहीं, मैं कोई पुलिस वाला नहीं, ऑन द स्पॉट मैं था नहीं, क्या कुछ होगा क्या कुछ नहीं देखते हैं भाई। मैं सिर्फ विसरा रिपोर्ट के ही वेट में हूँ क्या होगा। बहुत सारी बातें मोनिका ने बताई हैं और मैंने मोनिका से कहा भाई तू एक बार कैमरे पे आके कह दे। मोनिका यूँ बोली, सर मेरी बहन को जमानत मिल जावे, हम सारे के सारे फिर आवांगे और फिर अपनी सारी क्लेरिफिकेशन देवांगे। लेकिन मैंने फिर मोनिका से पूछा कि भाई मैं बात बता दूँ, तो वे एग्री थे कि सर आप बता सकते हो, फिर भी मैं आपसे एक बात कहूँ, शायद मेरे सोचन समझन में कमी हो, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, बहुत बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोग इस वीडियो ने देखे हैं, मेरे में कहीं ना कहीं कमी हो सका है, शायद मेरी प्रिडिक्शन गलत हो सका है, शायद मैं उतनी जांच परख नहीं कर सकता। बहुत सारी बातें ऐसी नज़र भी आवे हैं कि ताली एकाश से नहीं बची है। एक बात समझने की है, उन लड़कियों की क्या गलती है, जो मेरे को लगता है कोई भी है, मैं हूँ और मेरा दोस्त है कोई, मैं किसी के पास फ़ोन करके जाऊं और धक्के से जाऊं तो मेरी गलती है, अगर मैं दोस्त के पास चला गया और उसके घर जाके सुसाइड कर लिया तो वो उसकी गलती है। ये गलती ज़रूर सोनिया की हो सकती है। अब इस बात को कौन लोग किस किस नज़रिए से देखेंगे, कौन कौन लोग मने गाली देंगे, क्योंकि मेरा काम ऐसा ही है, एक पक्ष तो ज़रूर नाराज होगा और एक पक्ष खुश भी होगा। मैं किसी को नाराज और खुश करने के लिए नहीं रहता। बहुत सारे लोग कहेंगे तू पीछे खा गया, तू पीछे खा गया। भाई मैं एक बात बताऊं, ऐसी वीडियो बना के मैंने मेरे परिवार नहीं पढ़ना, ऐसी कमाई से तो भाई नशे हो जे हैं। मैंने हर चीज़ पे फोकस करके भाई मैं हर चीज़ पे बड़ा डीपली सोच कर चला करूं, और फिर भी अगर किसी आदमी ने गाली देनी है तो भाई देते रहो, मैं मेरा काम ईमानदारी पूर्वक करता रहूँगा। पीछे कमाने में तो मैंने ऐड बहुत मिले हैं, ऐसे ऐसे काम के लिए मैं ये चैनल चला रहा हूँ। हाँ, मेरा खर्चा पानी कहीं ना कहीं निकलता रहा इन ऐड के चक्कर में, किसी शॉप की, किसी दुकान की, किसी ऐप की। हाँ, ऐसे काम के लिए मैं वीडियो नहीं बनाता, पैसे कमाने के लिए जिस तरीके से मैं ये बना रहा हूँ। मेरा दिल, मेरे पेरेंट्स, मेरे बच्चे, मेरे घर मेरी आँखों के सामने रोए हैं। मैं यूँ ही सोचूँ कल उनके साथ ऐसी घटना ना हो, कोई दुर्घटना ना हो, मैं इसलिए दिल से वीडियो बनाने की कोशिश करा करूँ, किसी को झूठा सच्चा साबित करने के लिए नहीं, जो मुझे ठीक लगता है मैं वो बात कह दूँ। हाँ, किसी समाज, किसी पक्ष से अगर मेरे को लेकर कोई गलत सोच है तो यार गलती अनजाने में हुई होगी, ऐसा मेरा कोई प्लान नहीं है। और भाई धन्यवाद, बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, या तो वो विसरा रिपोर्ट किया जाएगी, या अगर उस लड़की ने जमानत हो जाए तो उससे हम बात करांगे। एक बात ज़रूर है कि जो दूसरा पक्ष है जगरूप का, वो वहाँ से वीडियोज़ ज़्यादा निकली हैं, इस पक्ष से वीडियो बहुत कम निकली है। तो मैं कई बार यूँ भी सोच लूँ हूँ भाई जगरूप की तरफ से ज़्यादा अगर वीडियो निकल रही हैं तो हो सकता है उसका ग्रुप बड़ा हो, उसकी तरफ से वीडियो कम निकल रही हैं तो हो सकता है उनकी तरफ सपोर्ट करने वाला ना हो। मैं एक सपोर्टर नहीं हूँ, मैं एक यूँ सोचूँ कि शायद वो पक्ष गलत ना हो, या जो भी है इंसाफ मिले, सही मिले, बिल्कुल सही मिले, क्योंकि जगरूप को तो भाई इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो लड़कियाँ हैं उनका भी आगे परिवार है, उनकी भी आगे ज़िंदगी है, उनके हमारे कारण या किसी ना समझी के कारण उनके ऊपर कोई गलत आरोप ना लगे।
इसीलिए मैं इस पक्ष को उठा रहा हूँ भाई। अब भाई जिसने इस बात को समझना समझ लो, जिसने गाली देनी है गाली दे लो, और जिसने जो समझना समझो भाई। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।